मेन पॉइंट जो जो मुझे सुनने में आया ना कि चाइल्ड चाइल्ड वाला वो ब्लड वगैरह निकलता है ना, उसके लिए होल्ड पर रखा गया हुआ है। यार कौन सी गेम वाइल्ड नहीं है मुझे बात बताओ। वैलोरेंट, उसमें भी खून खराब है। जो हमारी फौजी आने वाली है, अब मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होगा जिस तरह से गवर्नमेंट अगर पबजी मोबाइल को इस चीज़ को लेकर बैन रख रही है, मतलब कुछ टाइम तक या फिर जो भी है या फिर पता नहीं क्या सीन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फौजी में ऐसा कोई सीन नहीं होगा वाइल्ड वगैरह, है ना। पता नहीं यार, देखते हैं जब गेम आएगी। फ्री फायर, अरे कोई भी गेम ले लो यार, बस अब वही है यार। अब थोड़ा डिले तो होगा ही होगा, इतना तो है। रोज सेम ही आर्टिकल छापे जा रहे हैं, तुम रोज आके क्वेश्चन करते हो। देखो बस एक बात बता दो, पबजी मोबाइल जरूर आएगा जब तक पबजी मोबाइल वाले खुद नहीं बोलते कि यार, जैसे ऑफिशियली उन्होंने डाला था ना कि पबजी मोबाइल कमिंग सून और ये वो, जब सर्वर ट्रांसफर हुए थे, सारी चीज़ें ट्रांसफर हुई थी, है ना। अगर वैसी अनाउंसमेंट जब तक नहीं आती ना, तब तक गाइस डोंट बिलीव, या फिर खुद गवर्नमेंट नहीं कहीं पे पोस्ट करता स्पॉन्सर्ड बाय कैडबरी फ्यूज, नहीं यार। और ये अपना गाइस अपना गरीब गरीब, जब तक ऑफिशियल न्यूज़, क्योंकि यार देखो हर रोज सेम ही आर्टिकल छापे जा रहे हैं हर कोई कि गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दी, और मैं भी पबजी मोबाइल डिले होगा। भाई डिले होगा ये तो सबको पता है, बट अब वही सीन है कि कब तक, कोई ये बता रहे क्या आपको कि कब तक डिले होगा? कुछ भी बोल रहे हैं। 15 तारीख को गेम लॉन्च होने वाली थी, क्या बताओ। तो मेरे लिए इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के रखे थे ना, सब पे पानी फेर गया साला। ये टीजर लॉन्च करके ना मतलब ऐसा दे दिया। ओके पब्लिक स्ट्रीम है ये। हाँ ये टूर्नामेंट तो आने के लिए मान के चलो मार्च तो होगा। टूर्नामेंट कब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे? पीएमसीयू के फेब या मार्च में, तब तक पूरा प्रैक्टिस के लिए बोला है उनको। पबजी कितना मंथ लगेगा आने में भाई, देखते हैं। अब वो ऐसे बीच में ही लॉन्च मुझे नहीं लगता करेंगे, कोई किसी इवेंट वगैरह पकड़ के लॉन्च कर देंगे, और क्या। गवर्नमेंट से परमिशन ले लेंगे यार वो गाइस, क्योंकि ये कितना फुद्दू सा रीज़न है। सोचो ना यार कि गेम बच्चों को हार्म करते हैं, या फिर वो चाइल्ड वाला वो, मतलब कुछ भी यार। तो फिर तो हर एक गेम बैन हो जाएगी। अब साला मतलब स्टडी, हम जो एग्ज़ाम स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा डेथ यूथ में तो मुझे लगता है एग्ज़ाम स्टडी वगैरह की उसका टेंशन लेकर ही लोग करते होंगे ना, जो स्टूडेंट लोग होते हैं। तो दैट मीन्स एजुकेशन भी बैन होना चाहिए, बट नहीं ना। मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये रीज़न वैलिड नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि तो फिर हर एक गेम बैन करनी पड़ेगी उनको। चलो होता है फॉर द बेस्ट, सोच के देखो। एजुकेशन उस पे फोकस करो ना यार, एजुकेशन इतना चला, इतना अच्छा ई स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है, क्या ही करें यार। सुनो माँ कसम आज इधर ही मारेंगे सबको यार। ट्वीट भी नहीं कर पाया मैं उस दिन, पता है मैंने पूछा, नहीं कर सकता मैं ट्वीट जस्ट बिकॉज ऑफ मैं उस ट्रेलर में हूँ, तो मैं ट्वीट कुछ नहीं कर सकता। उस दिन ट्वीट करने के लिए मैंने फ़ोन किया, मैंने किसी को भी किया हो, ठीक है। मैंने बोला यार ऐसा ट्वीट कर रहा हूँ मैं, करूँ? दो तीन सुना मैंने अच्छे वर्ड्स, और फिर मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं ब्रो,